जी हेलो एंड वेलकम टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलेंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड जमीन.com हर पता हमें पता है। पीएसएल सीजन 8 के जो आखिरी स्टेजेस हैं वो कल से शुरू होने जा रहे हैं। लाहौर में प्लेऑफ्स पहला क्वालिफायर जो है वो खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच में, और जो दूसरा जो एक एलिमिनेटर होगा, जो पहला एलिमिनेटर होगा प्लेऑफ्स का, वो खेला जाएगा जी इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी के बीच में ऑन द 16th। तो एक अच्छा जो है एक मुकाबला हमारे सामने, ख़ास तौर पे कल वाले मैच में अगर हम देखें, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, एंडेड अप एज द नंबर वन एंड द नंबर सेकंड टीम ऑन द पॉइंट्स टेबल, विच इज़ वाई दे विल बी प्लेइंग द क्वालिफायर। और कल का मैच जो भी टीम जीतेगी लाहौर और मुल्तान में से, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन जी टू द फाइनल। तो ज़बरदस्त मुकाबला होगा इन दोनों टीम्स के दरमियान। जो भी टीम जीतेगी वो लगातार अपने दो सीजन जो है वो एटलीस्ट फाइनल खेलेगी, बिकॉज लास्ट सीजन भी यही दोनों टीम्स फाइनल में थी। तो जो भी कल जीतेगा उनके लिए एक और मौका होगा जी टू बी पार्ट ऑफ द फाइनल। और फैंस भी बहुत बेकरार हैं टू फाइंड आउट कि कौन से दो फाइनलिस्ट होंगे हमारे, बट वी विल फाइंड दैट आउट इन अ कपल ऑफ डेज। अभी जी हम बात करेंगे कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के मैच से, और जो प्लेऑफ्स अभी आगे रहते हैं लाहौर में उनसे। अभी हम लाहौर की टीम को देखते हैं थोड़ा, मुल्तान की टीम को देखते हैं थोड़ा, क्या बैलेंस है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको हम हंगामा खेज एक्सपर्ट अपने कहते हैं, वो उनसे पूछेंगे कि किस टीम को देख रहे हैं वो फाइनल में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ मौजूद हैं जी फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और जी ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं द किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद आसिफ, अस्सलाम वालेकुम आसिफ जी। वालेकुम साहब। मलिक साहब, लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स, ये दो टीम्स जो हैं लास्ट सीजन भी फाइनल खेली थी और टॉप की टीम्स थी लास्ट सीजन भी, और लगता है कि उन्होंने कोई मोमेंटम ब्रेक नहीं होने दिया अपना इस सीजन भी। एक आधा जो मैच ये हारी हैं टीम्स डिस्पाइट दोज लॉसेस, द वे दैट दे हैव बाउंस्ड बैक इन द नेक्स्ट गेम्स, और बिल्कुल मोमेंटम अपना टूटने नहीं दिया। वो कहते हैं ना, चैंपियन टीम्स प्ले लाइक चैंपियंस, ये दोनों टीम्स के बारे में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। नहीं बिल्कुल, ये जो फिलहाल टूर्नामेंट चल रहा है उसमें इन दोनों टीमों से बेहतर तो मेरा ख्याल कोई टीम नहीं है। कल एक चांस मिला था इस्लामाबाद को, मिस कर गई, मगर फिलहाल ये दोनों टीमें बैलेंस हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों की अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ऑल्दो के लाहौर कलंदर ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर है बाकी टीमों से। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने लीग में ऐसी बॉलिंग किसी की भी नहीं देखी, कहीं भी मैचेस हो रहे हों, ये वाहद टीम है जिसकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे भी हम लाहौर से हैं तो मुझे लगता है कि लाहौर का बहुत बड़ा एज होगा। और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड जा रहा है लाहौर की ग्राउंड में उनके अपने हर जगह, उन्होंने जहां भी अभी तक देखें खेल रहे हैं वो लाहौर बेहतर परफॉर्म कर रही है बाकी टीमों से। नो डाउट अबाउट दैट, बोलिंग जिस टीम की स्ट्रॉन्ग होगी वो टीम जो है इन द एंड, ख़ास तौर पे जब आपने डिफेंड करना होता है, जब आपके सामने जो है इतना, अगर आपकी बैटिंग में गलतियां भी हुई हैं तो वो बहुत हद तक कवर अप हो जाती हैं। और इस तरह का बोलिंग अटैक है, वर्ल्ड क्लास बोलिंग अटैक है, और किसी भी और लीग में जो है इस तरह का हमें नज़र नहीं आएगा। एवरीबडी इज़ इन गुड फॉर्म, इन गुड शेप। और यूसुफ भाई, लाहौर कलंदर्स की बोलिंग तो ज़बरदस्त है ही, आपको क्या लगता है उनकी तरफ से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है उनकी टीम में जब भी वो परफॉर्म करता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इनकी जो बॉलिंग तो
बहुत ज़बरदस्त है इनकी, जो जैसे शहनशाह और हारिस रऊफ और राशिद, ये सारे इनके बड़े बॉलर, लेकिन जो ज़मान ख़ान है उनको कोई नाम नहीं ले रहा, हालांकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, वो जब भी मुश्किल आती है विकेट ले जाता है, और उसके पास वैरायटी और एक्शन बहुत स्लिंगिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन, स्लिंगी एक्शन जैसे उसका मलिंगा था वैसी बॉलिंग करता है, और इसे बड़ी अच्छी स्लो रन कर देता है, यॉर्कर्स अच्छे हैं इसके। किसी एक का कहना वैसे मुश्किल काम है, बैटिंग में देखें तो फ़खर जमान है, बॉलिंग में इनके पास दो ऑप्शन है जो शहनशाह और राशिद का कह सकते हैं, किसी एक का कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इनकी बैटिंग में अगर हम बात करें फ़खर जमान की, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कंसिस्टेंटली हर गेम में स्कोर कर रहा हो, और उनको बीच में शे होप की हमने इनिंग्स देखी एक आधी, फिर सैम बिलिंग्स ने अच्छा एक डेप्थ दी है उनको, और फिर वो ये अब्दुल्ला शफीक के बीच में एक दो इनिंग्स बहुत अच्छी थी, अब्दुल्ला शफीक की अच्छी थी, शुरू के मैचेस वो आई डोंट नो व्हाई शुरू में खिलाया ही नहीं उसको, वो कह रहे थे उसको बुखार है या कोई नज़ले का बता रहे थे कि उसको नज़ला था, लेकिन बाद में जब वो आया उसने बड़ी अच्छी दो तीन इनिंग्स खेली हैं, मुश्किल टाइम पर उसने अच्छे स्ट्राइक रेट से 50s की हैं, और वो अच्छा प्लेयर है, एक यंग प्लेयर है, पिछले साल भी खेला था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसने इनकी तरफ से, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे उसने टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो बड़ा प्रोमिसिंग प्लेयर है और इनकी तरफ से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैटिंग जितनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है उतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग नहीं है, और लाहौर में जो है विकेट थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ से, इसमें थोड़ी सी हेल्प बॉलर को होती है, 200 रन्स तो बनते हैं लेकिन अगर आप अच्छी जगह पे बॉल करें तो बॉल जाता भी है, अच्छा मुश्किल भी डालता है, डिपेंड करता है प्ले ऑफ में कैसी विकेट्स बनती है, क्या मौसम होता है, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इनकी बॉलिंग का एज है, बॉलिंग का एज ज़रूर है, बड़ा अच्छा मुकाबला होगा ये, बिकॉज सामने वाली जो टीम है उनकी बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त जारी, इस तरह हमने भी देखा रिजवान है, और वो अभी उस पर हम आएंगे, मुल्तान सुल्तान्स पे इन डेप्थ बात करेंगे आसिफ, लेकिन लाहौर कलंदर्स की अगर हम कंपैरिजन करें बॉलिंग का और बैटिंग का, तो बॉलिंग तो उनकी डेफिनेटली स्ट्रेंथ ज़रूर है, लेकिन अगर उनको अपनी बैटिंग पर रिलाई करना पड़ गया प्ले क्वालिफायर में, अगर वो चेस कर रहे हुए और सामने जो है मुल्तान सुल्तान्स हुए, तो आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है उनके लिए, बिकॉज उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी सारी जो कोशिश है वो यही होती है कि हम डिफेंड ही कर रहे हो। अब देखिए दोनों टीमें बैलेंस है और बहुत लाइकली कि ये दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी, जिस तरह से नजर आ रहा है, जिस तरह से उनकी सोफा परफॉर्मेंस चल रही है, तो आप लाहौर की आप देखिए, मैं बात करूँगा हारिस रऊफ पे, कि हारिस रऊफ जिस पेस से बॉलिंग करता है वो अब कंसिस्टेंट एक्सपेंसिव बॉलर बन रहा है, जैसे कि यूसुफ भाई ने अभी बोला कि जमान को आप इग्नोर, हम लोग इग्नोर कर रहे थे, जमान ने हमेशा विकेट लिए और क्रूशियल टाइम पे लिया, और क्रूशियल टाइम पे उसने आखिरी ओवर्स में जाकर टीम को बचाया, तो थोड़ा सा हारिस रऊफ पे भी थोड़ा सा वर्कआउट होना चाहिए, कि उसको भी ऑलरेडी कोचेज बैठे हुए हैं, हारिस रऊफ कंसिस्टेंट 45-50-60 रन के उसके 4 ओवर्स में खा रहा है, और 4 मिनट बहुत होते हैं बॉलर्स के लिए, और वो आता है बॉलिंग करता है जैसे कोई मशीन लगी हुई, ऐसा नहीं है, आप तो थिंक अबाउट करते हो, आप आराम से चले जाओ, 4 मिनट में ओवर खत्म होना है, तो वो थिंक अबाउट ही कर रहा है, वो आके सिर्फ बॉल कर रहा है, आप लास्ट मैच में भी देखे जिस तरह से उसने एक एवरेज से बैट्समैन से छक्के खा लिए, तो वो उसको थोड़ा सा थिंक अबाउट करना पड़ेगा, ये इस तरह की आप मुल्तान के अगेंस्ट आप इस तरह की कैजुअल बॉलिंग नहीं कर सकते, वो उनकी बैटिंग लाइन में डेप्थ है, वो प्रॉपर, और उनका जो कैप्टन है बड़ा सेंसिबल लेके टीम को चल रहा है। आसिफ, ऐसा आपने जो बात की है हारिस रऊफ की, डू यू थिंक थोड़ा सा वो भी थके हुए लग रहे हैं आपको, और क्योंकि अभी जो उनका लास्ट मैच हुआ था कराची किंग्स के अगेंस्ट डेड रबर था, वो उनको रेस्ट करवा सकते थे अगर वो चाहते तो इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि बीपीएल भी वो खेल के आ रहे हैं डायरेक्ट, उनको चाहिए थी, उनको रेस्ट देना चाहिए था, कि अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो तो फिर जरूरत नहीं थी आप अपने मेंस बॉलर को यूज करने की, आप जो बेंच पे बॉलर्स बैठे हुए हैं जैसे बाकी भी तो खिलाए हैं, तो एक और खिला लेते, बाकी यंगस्टर को मौका देते, ताकि उसका भी एक्सपीरियंस, वो भी ग्राउंड का एक्सपीरियंस शेयर करता, उसको भी नॉलेज होता कि मैंने इस जगह पे जाके कैसे परफॉर्म करना, तो थोड़ा सा शाहीन अफरीदी के मैंने डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा ये ओवर कॉन्फिडेंस है शाहीन अफरीदी, जैसा कि ये पावर प्ले, सॉरी वो जो रिव्यू लेने में
और थोड़ी सी मिस्टेक की है इसने दो तीन, मगर आप उसके पास मिस्टेक करने का मार्जिन बहुत कम है। चलें अभी कल के मैच में जो भी टीम थोड़ा वीक रहेगी उनके पास ये एडवांटेज है कि एक और मौका उनको मिलेगा टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल, क्योंकि कल जो है नॉकआउट गेम नहीं है। यही फ़ायदा इन दो टीम्स को टॉप टू में जो इन्होंने फिनिश किया है इस पॉइंट्स टेबल पे, कि थोड़ी सिक्योरिटी उनको मिल गई है और दे विल गेट टू चांसेस टू मेक इट टू द फाइनल फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान्स द अदर स्ट्रॉन्ग टीम ऑन दिस रोस्टर। कहीं मिल जाइएगा। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलेंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com हर पता हमें पता है। बात हो रही थी जी क्वालिफायर की, जो पहला कल खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में। लाहौर की टीम के ऊपर हमने अभी बात की, उनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनके ऊपर थोड़ी डिस्कशन हुई। ऑफकोर्स उनकी स्ट्रेंथ उनकी जो है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग वही नज़र आ रही है, और बैटिंग में भी एक दो नाम ऐसे हैं जो कि यू नो ऑन देयर डे कैन चेंज द गेम इन देयर फेवर। बट इफ़ वी टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान्स, आसिफ ये वो टीम है जो लास्ट सीज़न भी फाइनल खेली, उससे लास्ट सीज़न भी ये क्योंकि चैम्पियंस थे तो बैक टू बैक ये टीम जो है फाइनल्स में आ रही है। अगर ये कल का मैच जीत जाते हैं तो ये थर्ड टाइम इन अ रो पहुँच जाएंगे फाइनल में, और इस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई है मुल्तान सुल्तान्स ने, ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और ख़ास तौर पे मोहम्मद रिजवान की जो कैप्टनसी है, जिस तरह उन्होंने टीम को रखा हुआ है कंसिस्टेंटली टॉप टू में रखा है टीम को, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है फॉर द सुल्तान फ्रेंचाइज। जी बिल्कुल, जैसा कि आप रिजवान की बात कर रही थी, रिजवान मच मोर एक्सपीरियंस कैप्टन चल रहा है, और जिस तरह काम लेके कामली वो चलता है टीम को, और वो इतने क्विक डिसीजन नहीं करता बनिस्बत शहनशाह अफरीदी, तो थोड़ा सा अग्रेसिव डिसीजन कर जाता है, तो रिजवान उसकी बनिस्बत और टीम को लेके चलता है। जिस तरह के उसके पास बैटिंग में अगर आप आते हैं तो उनके पास जो नेम है मिडल ऑर्डर तक देखे, रोसो है, पोलार्ड है उनके पास, फिर रिजवान खुद करता आ रहा है, फिर नए यंग लड़के ने आके सडनली क्विक हैंडल कर दिया, तो ये उनकी बैटिंग लाइन में कंसिस्टेंट चल रही है, फिर बॉलिंग में भी उनके टॉप नंबर्स चल रहे हैं पूरे टूर्नामेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अब्बास जिस तरह से उनका टॉप पे है एज ए फास्ट बॉलिंग विकेट टेकिंग लीडर है इस वक्त, फिर एहसान उल्लाह, फिर 22 विकेट्स अभी तक ले लिए अब्बास अफरीदी ने 9 मैचेस में 22 विकेट्स, उसमें एक फाइफर भी था और उसमें हैट्रिक भी था। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इतना एक यंग प्लेयर है और वो इस तरह लेके चल रहा है बॉलिंग को। यंग प्ले नहीं, आप उसकी ओवरऑल बॉलिंग देखें तो वो बड़ी उसने इतना वो तेज तो नहीं है, 145 और 150 पे नहीं जाता, मगर वो कंसिस्टेंट क्लेवर बॉलिंग कर रहा है, वो उस बैट्समैन को उस जगह पे लेके चला जाता है जहाँ पे वो आपको बैट्समैन परेशान होता है, तो वो उस जगह पे बॉलिंग नहीं, बैट्समैन के जो फेवरेट एरिया में वो उस एरिया में बॉलिंग नहीं करता, बहुत कम करता, समटाइम वो एक्सपेंसिव हुआ है, मगर आप कंसिस्टेंट 10 मैच खेलोगे तो उसमें 8 में अगर अच्छी बॉलिंग करो तो आप स्पिन के यू हैव क्लेवर और कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। फिर एहसान उल्लाह अभी पिंडी में नो डाउट वो एक्सपेंसिव रहा था, मगर अभी लाहौर में मैचेस चल रहे हैं, डिफरेंट पिचेस होगी, डिफरेंट ग्राउंड होगा, और फिर लेग स्पिनर भी यार, उनके ओवरऑल उनके पास कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है मुल्तान सुल्तान के पास। बिल्कुल, उनकी बॉलिंग तो अच्छी जा ही रही है, उनकी बैटिंग में भी उनके जो हैं 3 बैट्समैन उन्होंने अभी 100 कर लिया है, मतलब राइली रूसो का भी 100 हुआ है, उस्मान खान का फिर जो फास्टेस्ट 100 उन्होंने बनाया है, और रिजवान ने भी 100 किया है, तो इस फॉर्म में उनकी बैटिंग है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े टोटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड साइन बिकॉज अभी आगे बड़ा हाई प्रेशर मैच है और सामने बॉलिंग लाहौर कलंदर्स की है। देखें, इसमें असल बंदे का पता चलता है जब प्रेशर में होता है, और ये आप इनके अगर आप आउट देखें अब्बास अफरीदी को ले लें या एहसान उल्लाह को ले लें, इन्होंने इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, इन्होंने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। ये बाकी अगर आप बॉलर्स को देख लें, कल का मैच देख लें जो पेशावर और इस्लामाबाद का हुआ है, मैं वो देख रहा था कि हर बॉलर जो है ना, जैसे आसफ़ बार बार कहते हैं
कि एक लाइन पे बॉल करनी चाहिए, आपको अपनी लाइन नहीं छोड़नी चाहिए। बेशक मार पड़े, अगर अच्छा बैट्समैन आपको हिट मारता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बॉल अच्छी की है, उसने अच्छी शॉट की है, अप्रिशिएट करें कि भाई अच्छा खेल गया। इन बॉलर्स ने इसलिए आउट किए कि इन्होंने अपनी लाइन पे बॉल किए, बैट्समैन को रीड करके बॉल किए, कंसिस्टेंट इन्होंने ये नहीं किया फुल टॉस फेंका फिर आगे फेंक दी। ये यॉर्कर अच्छे करता रहा है, अफरीदी और एहसानुल्ला, इन दोनों की अगर आप लाइन देखें इनकी विकेटों में फ़र्क क्यों है बाकी लोगों में, कि इन्होंने प्रॉपर एक लाइन पे बॉल की है। आप दूसरे लाहौर कलंदर के भी देख ले, अगर बॉलर कंसिस्टेंट हैं सिवाय रऊफ को निकाल के, जो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कई दफ़ा, वो उसको बहुत मार पड़ जाती है, अदरवाइज शहीन और बाकी जमान जो है वो एक लाइन पे बॉल करते हैं, और इसलिए ये इनकी टीम लाहौर कलंदर की बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो मेरे ख्याल में जो भी टीम की जीतेगी उनके बॉलर अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी जीतेंगे, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। मुझे उस्मान ने बड़ा अच्छा शौक किया था, मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं उस वक्त भी आपको सुना रहा था, कल उस्मान खान ने शौक किया, और आपको याद है दूसरी साइड से मेरे ख्याल 25 रन थे। हम इंडिया में, हमारा पहला टूर था जी अंडर 19, पाकिस्तान अंडर 19 टूर का, मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान अंडर 19 टूर के साथ जा रहा था श्रीलंका इंडिया, तो वहाँ दूसरी टीम से कप्तान थे श्रीकांत, जो एक श्रीनाथ फास्ट बॉलर थे, एक श्रीकांत थे जो इंडिया के लिए बहुत लंबा खेले जी। हम बॉम्बे में खेल रहे थे जी, अंडर 19 का मैच था, इंडिया को हमने 120 में आउट किया। आप इमेजिन करें 120 में टीम आउट हुई थी तो उसका स्कोर कितना होगा, कितना था? उसने 105 उसमें से किया होता और 120 और कल मुझे उस्मान को देख के ये लग रहा था कि श्रीकांत खेल रहा है, मतलब उस वक़्त कभी तेज़ खेलने का कोई सोच नहीं सकता था, और उस बंदे ने वो उस वक्त भी तेज़ खेलता था जितनी देर वो पाकिस्तान के लिए खेला, इंडिया के लिए क्रेजी पीस ऑफ स्टार्ट के 120 किया टीम ने और एक प्लेयर ने उसमें से 105 किया है। बट ये है कि मुल्तान की टीम में डेफिनेटली ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े एक प्लेयर उनको मिला ऐसा बड़े रन्स करें, बल्कि अभी तो कप्तान भी उनकी इतनी अच्छी फॉर्म में है, 483 रन्स हैं जी मोहम्मद रिजवान के 10 मैचेस में, इस तरह की फॉर्म उनकी 60 की एवरेज है इस सीजन। तो देखें जी, उसने स्कोर किया है तभी उनकी टीम नंबर, ये फॉर्म जो आ गई है, चार टीमें जो बेस्ट आई हैं उनमें जब ही उनकी टीम है कि उनके लोगों ने परफॉर्म किया तो आगे आई हैं, वरना तो कराची की तरह या जो दूसरी टीम कोयटा की तरह पीछे होती, तो ऑब्वियसली जो टीम जिसकी टीम परफॉर्म करती है वही आगे जाती है, और ये कंसिस्टेंट कर रहा है परफॉर्म रिजवान ने, नो डाउट हम क्रिटिसाइज़ करते हैं थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो है, मगर वो स्कोर करता है इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल आसिफ, आप कल के मैच के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लाहौर में हो रहा है जी क्वालिफायर, और कंडीशंस को देखते हुए और दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स को देखते हुए, अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करें क्योंकि उनकी बैलेंस नज़र आ रही है, बैटिंग में भी उनके की प्लेयर्स हैं, बॉलिंग में भी उनके पास हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं, तो क्या करना चाहिए मुल्तान सुल्तान्स को अगर वो टॉस जीतते हैं तो? मुल्तान सुल्तान हारते हैं या जीते हैं टॉस तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, दोनों टॉप परफॉर्मर टीम में है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, लाहौर को थोड़ा सा एज जरूर होगा कि होम क्राउड में खेल रहा है, और लास्ट मैच में आप देखें लाहौर ने स्ट्रगल किया बैटिंग में आके, तो वो चीजें उनको थिंक अबाउट करके, एक अच्छी टीम के अगेंस्ट आना तो दे हैव टू थिंक अबाउट प्रॉपर कि हमने अच्छी टीम से मुकाबला है जिसके बैट्समैन अच्छे हैं, उनका मिडल ऑर्डर अच्छा, ओपनर्स अच्छे हैं, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ देखें तो वो भी बहुत अच्छी है, तो उनके लिए थिंक अबाउट करना, जिस तरह से लास्ट मैच में वो कैजुअल आए इस तरह उनको नहीं आना पड़ेगा, स्ट्रांगली उनको आना पड़ेगा ग्राउंड में। आई थिंक लाहौर कलंदर की ना बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल में मुल्तान को बैटिंग करनी चाहिए ताकि पहले ही उनकी बॉलिंग खेलें और जितना बड़ा स्कोर कर सकते हैं करें, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी ऐसी है कि वो डिफेंड कर सकती है, और लाहौर की प्रॉब्लम ये है कि अगर फखर आउट हो जाए तो वो फिर स्ट्रगल करते हैं, तो मेरे ख्याल में मेरा अपना ओपिनियन है कि मुल्तान को बारी लेनी चाहिए ताकि उनकी एंड में उनको पता ही ना हो कि कितने पे इनको हमने टारगेट दिया और उसमें आउट करना है,
क्योंकि जब आपके पास एक टारगेट होता है ना, तो जो अच्छी बॉलिंग होती है वो फिर बहुत जोर लगाती है, कई दफा रिलैक्स कर जाते हैं कि आप आके बॉलिंग मतलब उस तरह नहीं करते उनके जिस तरह तो बॉलर्स खत्म ही नहीं होते उनके तो। अगर हारिस तो चले नहीं चल रहे, बट शाहीन है उनके पास, राशिद खान है, डेविड वीजे भी अच्छे स्पेल्स करा रहे हैं बैक टू बैक, और जमान खान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी बॉलिंग पहले ख़त्म कर दें, अच्छा खेल के स्कोर अगर कर देते हैं 100-200 के करीब कर जाते हैं, तो उनकी बॉलिंग ऐसी है मुल्तान सुल्तान की जो पकड़ सकती है नो डाउट। तो ये थोड़ा सा जेन में उनको रखना चाहिए कि एंड में अगर लाहौर को बॉलिंग दी तो फिर बड़ी जान मारेगा, बिल्कुल, क्योंकि उनकी बॉलिंग है ही तगड़ी, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे तो ये तो प्रेशर में जरूर आएंगे वो, अगर उन्होंने अगर वो चेज करते हैं तो दैट्स आई थिंक अ गुड, आई थिंक मोहम्मद रिजवान विल ऑप्ट फॉर दैट एज वेल, क्योंकि जब भी मुल्तान टॉस हारे हैं तो रिजवान का हमेशा यही स्टांस होता है कि जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम टॉस जीतें या हारें, हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तो इस अप्रोच के साथ अगर आप देखें हर गेम को तो आई थिंक यू कैन टर्न एनीथिंग इन योर फेवर, लेकिन यू कांट डिसरिगार्ड द फैक्ट कि लाहौर कलंदर्स डू हैव अ प्रीटी सॉलिड बॉलिंग अटैक और किसी भी टीम के लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी, व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी विल टॉक अ बिट मोर अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट From tomorrow's qualifier and of course लाहौर मुल्तान की captains पे बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय Coca-Cola पावर्ड बाय डॉलेंस मेन स्पॉन्सर्स TikTok एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com, हर पता हमें पता है। बात हो रही थी जी क्वालिफायर वन की, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, टू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स दिस सीजन एंड लास्ट सीजन एज वेल। तो एक जिसे कहते हैं ना मोमेंटम उन्होंने कैरी थ्रू किया है इन दिस सीजन, इट डिड नॉट लुक लाइक दे टुक अ ब्रेक एट ऑल, अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी जी विद द बैट विद द बॉल। एंड नाउ अगर हम बात करें कैप्टन्स की, ओवरऑल अगर हम चारों कैप्टन्स को असेस करें, आसिफ मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि हम कैप्टेंसी पे अक्सर बात करते हैं, ये जो चारों कैप्टन्स प्लेऑफ्स में आए हैं बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान एंड मोहम्मद रिजवान, इनका कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, आपकी नज़र में सबसे तगड़ा कैप्टन कौन सा है इन चारों में से अभी तक जिस तरह से सोफा, क्योंकि टीम तगड़ी होना वो भी बहुत उसमें असर अंदाज होता कि आपके पास टीम क्या है। अच्छा कैप्टन वो होता है जो आपकी एवरेज टीम को भी लेके उनसे इनपुट अच्छी दिलाए कि एवरेज टीम को भी विनिंग करवाए। मगर सोफा देखे शहनशाह अफरीदी के पास इस वक्त बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, बैटिंग में लास्ट मैच में भी आप देखा बैटिंग में वो स्ट्रगल कर रहे थे, बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस सोफा अच्छी दी है, उनके पास बॉलिंग नहीं है, शादाब के पास बैलेंस साइड है मगर शादाब की अपनी खुद की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो इन सबसे जो मच्योर कैप्टनी इस वक्त दिखाई है वो रिजवान ने दिखाई है, रिजवान विकेटों के पीछे क्योंकि उसको उसको ग्राउंड पूरी नजर आ रही होती है, उसके पास टीम वर्क बहुत अच्छा है। तो एज ए कैप्टन मैं बताऊंगा इन चारों में से मच्योर कैप्टन, सेंसिबल कैप्टन मुझे तो रिजवान लगा। जाहिर है वो एक्सपीरियंस में भी जो है वो सबसे आगे हैं कैप्टन, क्योंकि वो काफ़ी सालों से कैप्टेंसी कर रहे हैं, एक तो मुल्तान की भी, फिर उससे उसके अलावा डोमेस्टिक में भी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं एज कैप्टन। तो डेफिनेटली ना वो मलिक साहब मैच्योरिटी तो काम आपकी आती है, एक्सपीरियंस आपका काम आता है, बिकॉज बाकी जो तीनों कैप्टन हैं वो अभी थोड़े इनएक्सपीरियंसड हैं रिजवान के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर फ़ायदा उनको मुल्तान को इस बात का काफ़ी फ़ायदा है। नहीं, उस एक चीज़ का बहुत बड़ा एडवांटेज है, देखें वो एक तो वाइस कैप्टन भी रहा है पाकिस्तान टीम का बहुत साल, काफ़ी साल हो गए हैं, तो एडवांटेज है उसको। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो विकेट के पीछे है, वहाँ से उसको हर चीज़ नज़र आती है, बैट्समैनों की गलतियाँ भी नज़र आती हैं, बॉलरों की गलतियाँ भी नज़र आती हैं, अपनी भी और दूसरों की भी, तो ये उसको एडवांटेज तो है कप्तानी में। और वो जैसे आसिफ ने कहा इसमें कोई शक नहीं, बाकी जितने भी कप्तान हैं उनको अगर आप कंपेयर करें इसके साथ, शहीन अभी यंग है, सीख रहा है, टाइम लगेगा, टाइम के लेकिन साथ उसने बड़ा जल्दी सीखा है ऑब्वियसली, देखें वो टाइम के साथ एक उसको काफ़ी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है और टाइम लगेगा, अच्छा कप्तान होगा जो वो जो उसके शो किया अभी तक उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उसको और टाइम के साथ अच्छा होगा। वो जो आपके ऑर्डर आया है एक दो मैचेस में अपने आप को प्रमोट किया है, अपने आप को
और जिम्मेदारी दी, इस तरह शादाब ने पिछले सीजन ये शादाब का मुझे देखें शादाब के परफॉर्मेंस मुझे डाउटफुल लग रही है क्योंकि उसने कप्तानी भी कोई इतना इम्प्रेस नहीं किया। मैं सच बताऊं जो उसकी टीम की परफॉर्मेंस जा रही है, मैं कहता हूं जी सारी चीज़ों को छोड़ दे, जो उन्होंने ये पिछले मैच में जो दो दिन एक दिन पहले मैच हुआ है उसमें जो उन्होंने जो गलती की है वो तो कोई कप्तान नहीं ऐसी गलती कर सकता कि आप क्वालिफाई ना करें टीम अच्छी खिला के आप आगे ना जाएं। ये कप्तानी का हिस्सा होता है। देखें ये आपको स्टैट्स पता होने चाहिए थे कि अगर हम दो पे जाएंगे तो हमें तो इससे तो पता चलता है फिर कप्तानी में। उस वजह से थोड़ा उसको नंबर उसके काट रहा हूँ कि वो एक तो खुद की परफॉर्मेंस नहीं हो रही, फिर बाहर की चीज़ों में भी गलतियाँ हो रही हैं, दूसरी टीम को भी रीड नहीं सही कर पा रहा। और जहाँ तक उसका ताल्लुक है बाबर का, बाबर वो भी देखें अभी नया नया हमारा पाकिस्तान का जब कैप्टन बना था तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बंदे से, मगर सीखने का हर वक्त टाइम होता है, बंदा सीखता रहता है साथ साथ। बिल्कुल। और अभी कुछ मैचेस पहले जब उनकी फॉर्म भी वापस आई है विद द बैट, तो ये बड़ा अच्छे टाइम पे उनको एक अच्छे एक दो इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, 100 भी किया। सो ओवरऑल यू नो वो थोड़ा सा इस बात से ज़रूर कॉन्फिडेंट होंगे गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स कि कप्तान जो है वो कम से कम रन्स कर रहा है अब तक। नहीं वो देखें जी वो उसकी एबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं, कभी भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जो पाकिस्तान का वो नंबर वन बैट्समैन है उसको कंपेयर किया जाता है दुनिया के मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ, तो उसकी बैटिंग पे कभी भी आई थिंक हम लोगों ने कभी उसकी बैटिंग पे कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। हम जो थोड़ा बहुत कभी उसकी क्रिटिसाइज करते हैं वो स्ट्राइक रेट पे करते हैं, वो भी T20 में, वनडे में और टेस्ट मैच में ही हो गई ना, मतलब वो ही है ना अप्रोच पूरी। नहीं वनडे और T20 में तो वो है ही हमारा क्लास प्लेयर है, मगर T20 एक ऐसी गेम है जिसमें स्ट्राइक रेट का फ़र्क पड़ता है। कोई भी दुनिया का प्लेयर होगा अगर उसका स्ट्राइक रेट कम होगा तो आपकी टीम पे फ़र्क पड़ेगा। हम उस पर थोड़ा सा आके बाबर को अक्सर कई दफ़ा हम कर जाते हैं, शायद उसको बुरा भी लगता हो, फैंस को भी बुरा लगता हो, मगर वो टीम उसको टीम का नुकसान होता है ना जब हम कभी ये बात करते हैं। मेरा ख्याल पिछले मैचों में बाबर ने बड़ा अच्छा खेला, अपना स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा किया, 100 जो किया अनलकी रे मैच हार गए, मगर उसने स्ट्राइक रेट अच्छा किया, तो इसका मतलब है कि उसको खुद भी फील हो रहा है कि मेरा बेहतर होना चाहिए, तो कोशिश कर रहा है। और आसिफ आप कुछ ऐड करेंगे इस पे? जी बिल्कुल, अपना दोनों टीमें अगर आप कल के मैच की बात कर रही है तो दोनों टीमें बहुत अच्छी बैलेंस है, जो बाकी टीमें हैं उनका कोई तुक्का ना लग जाए फाइनल के लिए, मुझे ये ना लग, क्योंकि T20 में तुक्का लग सकता है, आप यू नेवर नो। इस्लामाबाद का आसिफ मैं बता दूं इस्लामाबाद का नहीं लगना, जो उन्होंने गलती कर दी है ना उनका नहीं लगना, क्योंकि आप T20 तो आपके पास टाइम ऑफ मार्जिन थिंक अबाउट करने का मार्जिन कम होता है, आप एक मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते, एक अच्छा रन आउट जैसा कि पिछले मैचेस में रन आउट, एक अच्छा कैच मैच, जिस तरह फखर जमान का कैच लास्ट मैच में ड्रॉप हुआ, उसने फिर उसने वन साइडेड कर दिया था मैच, तो इस तरह की आप मिस्टेक नहीं कर सकते, आपके पास मिस्टेक का मार्जिन बिल्कुल ही खत्म है। और बाकी जो दो टीमें हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, फैसलाबाद और सॉरी इस्लामाबाद और पेशावर जलमी को, तो उनका वो ही मैंने बोला कि उनका वो T20 में वो तुक्का लगा सकते हैं, तो इन दोनों को टीमों को स्ट्रांगली आना पड़ेगा, वो दोनों क्योंकि चार टीमें हैं टॉप में, नो डाउट कप्तानी बाबर आजम की थोड़ी लास्ट टू मैचेस में 240 चेज करवाना, 200 अबव चेज करवाना, तो ये कैप्टन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके बॉलर को किस तरह आप यूटिलाइज करते हो, तो वो मिस्टेक उससे हुई है बाबर आजम से, जो कि आगे जाके एज ए कैप्टन उसको पाकिस्तान की कप्तानी में भी खोनी ना पड़ जाए। इसका मतलब है आसिफ आपका मतलब ये तुक्का लग जाने का मतलब ये फिर तुक्का टीमें हैं दोनों दो दफा कहे कि इनका तुक्का लग सकता है, इसका मतलब है कि ये फिर तुक्का टीमें हैं। आप मोस्ट लाइकली तो ये कल वाली टीमें ही फाइनल खेल रही है, मतलब T20 है। नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड तो शुरू में तो बड़ी कंसिस्टेंट रही और अभी भी ऑन पेपर बड़ी बैलेंस्ड है, और वही बात है कि इनका अगर एक भी प्लेयर खड़ा रह गया बैटिंग में, जिस तरह आज़म खान है और फहीम अशरफ खास तो आप इवन आसिफ अली,
आप इनको वो नहीं, राइट ऑफ नहीं कर सकते, आप सिर्फ आजम खान की बात कर सकते हैं, बाकियों की बात ना करें, जो उनकी परफॉर्मेंस जा रही है। आप आसिफ अली को इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आसिफ अली के पास, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसका रैकेट बोलता है, उसके पास दो ही ओवर का वो प्लेयर है, अगर आप उसके पास आठ ओवर का आ जाता है, अगली ओवर आ जाता है आठ दस ओवर, तो वो उनको वो परेशान हो जाते हैं कि इतने ओवर खेलेगा कौन। तो फिर प्लेयर क्या, आप आपने अपना मेरा जवाब खुद ही दे दिया यार आसिफ, तो परेशान हो जाते हैं, मगर वो आखिरी दो ओवर में हमेशा डेंजर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसको आखिरी ओवर्स में, मैं आपको टिप देता हूं, आप उसको आखिरी ओवर में विकेटों में बॉल कर दें आगे आगे। जिस नंबर पे आसिफ अली आते हैं उनको जरूरत नहीं है कि वो लंबे ओवर्स खेले, वो तो दो ओवर में मैच खत्म करने वाले ना, उससे गुगली पिक होती है ना, उससे आगे वो ऑफ स्टंप पे भागे जाता है और उसको आगे बॉल कर दें, जितने मैचों में भी आप देख लो LBW या बोल्ड हुआ है, आगे बॉल कर दें उसको, क्योंकि उसका बैट वो यहाँ लेके चला जाता है, अगले वाली बॉल उसको समझ नहीं आती, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं उसमें बहुत बड़ी गलती है ये इसकी बैटिंग में, आप नोट करना ये चीज़। कई दफ़ा उसको गुगली भी सब बोल्ड होता रहा, सीधी सीधी गुगलियों पर बोल्ड हुआ है, मैं उसको देखें वो उसके ना स्कोर, उसने बहुत अच्छा पाकिस्तान को मैच जितवाए हैं कुछ, मगर हर बंदे को उसकी वीकनेस का पता चल चुका हुआ है, ये उसको ठीक करनी पड़ेगी, अगर वो उसने ठीक और नहीं की। जितने क्लेवर बॉलिंग है बाकी टीम, आप इंडिया के खिलाफ पिछले जो हमारा मैचेस हुए थे उसमें दे हर्षदीप क्या था उनका लेफ्टी, वो उसको सिर्फ अंदर बॉल करता था, आगे विकेटों में LBW कर देता था, ये वीकनेस है उसकी, या बाउंसर करते थे या उसको आगे बॉल करते थे, ये हम बाहर बैठ के अगर देख सकते हैं तो जो रोज़ उनको TV पे देख के एनालिसिस करते होंगे उनको नहीं पता, तो ये वीकनेस है उसकी, उसको ठीक करनी पड़ेगी। उनको एक एडवांटेज ये है कि सामने वाले जो टीम है उनकी बॉलिंग थोड़ी हल्की है, तो वो अगर कोशिश करें तो वो आसानी से ओवर पावर कर सकेंगे। पेशावर जलमी की अगर हम बात करें, वन मैच एट अ टाइम लेके चलना चाहिए, और ये जो मैच है जी परसों वाला, ये तो है ही नॉकआउट मैच, तो इसमें जैसे आसिफ ने कहा कि आप कोई गलती नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर फील्डिंग में, बिकॉज जो पेशावर का टॉप ऑर्डर है और जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, उनके ऊपर के 3-4 बैट्समैन बड़ा क्रूशल उनका कंट्रीब्यूशन होता है, और लेकिन क्या स्टाइलिश प्लेयर्स हमें हारिस और साइम अयूब की फॉर्म में मिले हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये जैसे आसिफ बार बार कहते हैं कि ये वो नॉक कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, नॉक नहीं कर रहे, वो जोर जोर डोर नॉक कर रहे हैं, दो जोर जोर से मुक्के मार रहे हैं कि हम भी हैं भाई, हमारा भी ख्याल करना। तो ये 3-4 प्लेयर पाकिस्तान को बैट्समैन की सूरत में ऐसे मिले हैं जो जिनको मेरे ख्याल सेलेक्टर्स को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए, और बेशक उनको टूर्स पे साथ लेके जाना चाहिए। किसी प्लेयर को भी बनाने में ना जी कप्तान का बड़ा हाथ होता है, आप उनको टीम के साथ लेके चलते हैं, जहां मौका मिले उनको खिला दिया, जैसे हारिस भाई, आप सलीम भाई सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, जैसे हमने उस्मान कादर को वैसे ही टूर करवा रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, ठीक है, यारी दोस्ती में ही, तो आप किसी बच्चे का हक मार रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को क्यों ना आप लेके साथ चलो, ताकि उसको ग्रो अप कराओ जल्दी, उसका अगर जगह बनती तो उसको खिलाओ उस जगह पे, कोई इंजर्ड हो जाता तो। ऐसे बच्चों का आप हक नहीं मार सकते, आप इनको लेके चलो, ठीक है वो प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, आज सिलेक्टर मैं सिलेक्टर हूँ या कोई भी हो, तो उसको अब उसने पिकअप करना है, अब टीम के साथ तो रखे एटलीस्ट 15-16 में, तो ऐसी टैलेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, वही मैंने कहा ना कि इनको आपको साथ रखना पड़ेगा, अब तो देखें अब चीज़ें छुप नहीं सकती, अब उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस कर दी है कि लोगों को नज़र आ रही है ना, ये तो जब TV पे मैच नहीं आते थे, जब लोगों के साथ ज्यादती होती थी, मगर अब मेरा ख्याल है सारा डेटा जो है वो सामने है, अब ज्यादती करना हर बड़ा मुश्किल है। नहीं बिल्कुल सही बात की है, डेटा जो है वो इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ अस टू यू नो मेक सेंस आउट ऑफ जी। तो क्वालिफायर वन की बात हो रही थी, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स, जो भी जीतेगी वो जाएगी सीधा फाइनल में, और उसके बाद जी खेला जाएगा एलिमिनेटर वन बिटवीन पेशावर जलमी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो अ लॉट ऑफ एक्शन पैक्ड क्रिकेट वेटिंग फॉर अस इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ PSL। असल मुकाबला जो है वो अब शुरू है। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, अब तक के लिए इतना ही, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।